पीछे श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या है, क्यों है और कैसे है? डब्बा है ये, आयुर्वेद के जनक है धन्वंतरी जी। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं। ठीक है। चिकित्सा एवं अनुसंधान कार्यों हेतु वर्ष 2005 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की गई है। और ये अंकल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। यहाँ पे साई मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ का ब्लॉग आप सभी को जरूर दिखाऊंगा। काफी बड़ा और भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये है गाइस पतंजलि योगपीठ। अभी मैं आपको अंदर भी लेकर चलूंगा। अभी मैंने गार्ड साहब से बात की, आगे से लेफ्ट में पार्किंग के लिए बताया इन्होंने कि आगे से लेफ्ट में पार्किंग है। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे पतंजलि योगपीठ आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। ये पतंजलि योगपीठ 1 में हमने आपको दिखाया। ये है यहाँ का व्यू और काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग अपना इलाज करवाने के लिए योगशाला में भर्ती। यज्ञशाला ये यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है। भाई हम यज्ञो भवनस्य नाभिः, मैं संस्कृत भी आप सभी को पढ़ के बता रहा हूँ। यज्ञ का समग्र प्रभाव। और गाइस अभी मैं यहाँ पे यज्ञशाला में खड़ा हूँ। पतंजलि योगपीठ की यज्ञशाला है और काफी शांत और ठंडा माहौल है। धूप काफी तेज है पर यहाँ पे बैठने के बाद पता चला कि हवाएं यहाँ पे ठंडी भी चलती है। गाइस ये है वो यज्ञशाला और यहाँ पे मैं बैठा हुआ। ये अग्निकुंड है, इसमें यज्ञ होता है। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, खाली पेड़ पड़ा है, शायद इसमें कुछ बनवाया जा रहा है। आपको पता है क्या बनवाया जा रहा है यहाँ? बिल्डिंग बनाई जा रही है। कोई शख्स यहाँ पे नहीं मिला हमें जिससे हम यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी ले सकें, पर हमने हमें जो भी चीज़ें यहाँ पे दिखी हमने आपको दिखाई। काफ़ी शांत वातावरण लगा मुझे यहाँ का। हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही है जबकि धूप बहुत तेज है। पीछे श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या है, क्यों है और कैसे है? भाई ये तो नहीं पता है, पर श्रद्धा या तो होटल है या फिर हॉस्टल है, कुछ तो है। पर श्रद्धा नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धा। चलो देख सकते हैं यहाँ पे तपस्या है। पीछे श्रद्धा और अब तपस्या। और श्रद्धा और तपस्या दोनों ही या तो हॉस्पिटल है यार या होटल है या फिर हॉस्टल है, कुछ तो है। ठीक है, कोई भी हमें ऐसा वृक्ष नहीं मिला जिन पर फल आता। इस उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हुए थे कि वाटिका की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कुछ फल वगैरह हमें खाने को मिलेंगे, पर यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला है। ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब पतंजलि योगपीठ 2 भी है यार, मैंने आपको पतंजलि योगपीठ 1 दिखा दिया।
योग व आयुर्वेद के क्षेत्र की वृहद स्तर पर चिकित्सा एवं अनुसंधान कार्यों हेतु वर्ष 2005 में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की गई है। देश भर में संचालित पतंजलि योगपीठ के हजारों सेवा प्रकल्प निःशुल्क चिकित्सा परामर्श तथा निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से मानव मात्र की सेवा में, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पतंजलि विश्वविद्यालय, आचार्य कुलम वैदिक गुरुकुल योग चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र, पतंजलि अनुसंधान स्थान, दिव्य फार्मेसी तथा पतंजलि आयुर्वेदिक आदि हरिद्वार में संचालित है।